और कोरोना वायरस की बलूचिस्तान असेंबली में भी गूंज। वायरस के शिकार मुमालिक ईरान और चीन के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली गई। स्पीकर ने सरहदी इलाकों की मौसर निगरानी की रूलिंग भी दे दी। बलूचिस्तान असेंबली में कोरोना वायरस का मामला। कोरोना वायरस के हवाले से ईरान और चीन के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली गई। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली का इजलास के दौरान रूलिंग देते हुए कहना था कि विफाकी और सूबाई हुकूमत ईरानी सरहदी इलाकों की मौसर निगरानी करे, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाए। वजीर आला जाम कमाल का कहना था कि वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, पूरी हुकूमत तुंद ही और संजीदगी से कोरोना वायरस के हवाले से इकदामात कर रही है। कोरोना वायरस एक ऐसा फिनोमेना है जो पूरी दुनिया को जिसने हिला के रख दिया है। ये वो ममालिक है जो इस वबा के हवाले से उनके सिस्टम्स पूरे नाकारा होते हुए नजर आ रहे हैं। हफ्ते के दिन जब ये सारी सिचुएशन थोड़ी बहुत ईरान के हवाले से निकली भी थी तो काउंसिल जनरल ऑफ ईरान ने भी इसकी तस्दीक की थी कि ऐसी कोई बात है नहीं। मैंने जनाब वजीर आजम साहब से गुफ्तगू की, फिर मिनिस्टर फॉर फेडरल है उनसे मेरी बात हुई। बाद हजां बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 27 फरवरी दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।